चीफ की दावत, कहानी भीष्म साहनी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठीं, जो वह सो गए और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुहसिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुभीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जो जानते हो, मांसमछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निबट लेना। अच्छा बेटा, और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं, तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो
8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालतीं, पल्ला ठीक करती उठीं और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाव पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाव उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रहीं। कपड़े कौन से पहनोगी? माँ, जो है वही पहनूंगी। बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो, ज़रा देखूं। माँ धीरे से उठीं और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा, तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूडियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं? बेटा, तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया? माँ, सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या तल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए, बेटा तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कप की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी, बेटा मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ साहब सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी।
वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफाकवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ, मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूं। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने छकने लगे थे।
श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी भैने, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खीच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों? माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की,
मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊंघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठीन और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खापन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए।